हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं थोड़ा परफेक्ट व्लॉग बनाऊंगा क्योंकि बहुत दिन से कोई कंटेंट नहीं डाला है। एंड द थिंग इज दैट आई एम मीटिंग वन ऑफ माय फ्रेंड, यूट्यूबर फ्रेंड, तो उससे भी मिलना है मुझे। बहुत दिन से हम लोग सिर्फ इंस्टा पे बातें कर रहे हैं, लेकिन आज उससे मिलना है। सो आई एम गोइंग टू हिज प्लेस नाउ, और बाकी तो मिलने के बाद जो बातें होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज मैं कैमरा लेके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे इतनी, यहाँ पे ही है, पास में ही है, तो फोन है अपना बस। तो लेट्स गो नाउ। सी द मेन थिंग इज दिस, कोरोना में जो हेलमेट का आवाज़ है, तो जो इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि गाड़ी अगर आप चालू करते नहीं हो दो दिन में तो ऑफकोर्सली बैटरी ड्रेन होती है। मेरे ग्लासेस पे फॉग आ रहा है बार बार, इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ। हाँ, तो अभी इसको पहले किक से चालू करके एटलीस्ट 5 मिनट चालू रखना पड़ता है, फिर 6-7 किलोमीटर इसको रन करना पड़ता है, तभी जाके ये बैटरी इसका बेसिक लेवल पे चार्ज होता है। इसके बाद फिर अगर आप चलाते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती है। सी द सीन इज दिस कि कैमरा तो ले लिया है और मैं घर से निकलने के वक्त रिकॉर्डिंग चालू भी किया था, लेकिन आगे आके इधर आके मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि वो हैंग हो चुका है। उसकी बहुत पुरानी आदत है, कभी भी स्टार्टिंग में उसको जब पहली बार अगर दिन में स्टार्ट करते हो तो चलते चलते हैंग हो जाता है, मालूम नहीं कैसे। बस तो वो क्या मैं उसमें बोला हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने यही बोला कि बहुत दिन से हम लोग मिलने की ट्राई कर रहे थे क्योंकि मेरे घर के पास में ही रहता है और मुझे अभी तक मालूम नहीं था। एंड एक मिनट, बॉक्स जम जाता है मेरे ग्लास पे। तो कोरोना था, इसके लिए कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, ना वो ना मैं, और अभी बोर भी होने लगा है बाहर निकलना। ऐसा लगता है घर पे आओ फिर नहाना धोना, बहुत वियर्ड हो रहा है। इसके लिए मैं ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, लेकिन अभी अनलॉक चालू हो चुका है इसके लिए हम लोग मिल रहे हैं। तो अभी जब आएगा तो मैं उससे मिलाता हूँ। A few moments later. Okay, so finally he is here. Running Beast इसका चैनल का नाम है, आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये भी इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाता है, अच्छा अच्छा। और बहुत दिनों से हम लोग मिलने की सोच रहे थे, बट मैंने पहले भी बोला कोरोना की वजह से किधर भी जाने को मिला नहीं। राइट, एंड प्लीज वेयर मास्क। yeah, अब भी निकाला उसने। yeah. मैंने मास्क पहना था लेकिन अभी निकाल दिया थोड़े देर के लिए, थोड़ी खुली हवा है ना यार। इधर कोई भी नहीं है एक्चुअली, क्राउड में जब जाते हो ना बराबर ही लोग। हाँ, इधर कोई भी नहीं है, लेकिन शाम होती है ना तो यहाँ पे लोग आने शुरू होते हैं। इसके लिए हम लोग अभी आए, ये थोड़ा खाली टाइम रहता है तो घूम भी सकते हैं, फोटो भी और रिलैक्स चिल सब हो सकता है यहाँ पे। तो बाकी तो कुछ है नहीं, और अभी बातचीत करेंगे, गप्पे शप्पे लड़ाएंगे और जाएंगे। कुछ मोटो ब्लॉग्स के ऊपर हम लोग कोलैब करने वाले विद इन द कमिंग डेज। तो फिलहाल हम लोग कुछ आइडियाज के लिए हम लोग आ सकते हैं, हम लोग के पास शांत से एरिया में आए। हम शांत सा एरिया, बहुत अच्छा एरिया, बहुत सच्ची में साइलेंट यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, मतलब बहुत सारे चीजें क्रिएटिव कर सकते हैं, ऐसा है, स्पेस मिलेगा तुम लोग करने के लिए। और यही हमको एक यही जगह मालूम है, बाकी और कोई भी जगह है भी नहीं, क्योंकि हर जगह अभी सब कुछ बिल्डिंग से भर रहा है। ऐसी बहुत कम जगह, शायद से एक ही जगह बाकी है खार करने। और तो ये जो कैमरा है ना वो मैं चालू करता था हैंग होता था, चालू करता था बैटरी डेड होती थी, इसलिए बंद है। कुछ मतलब नहीं है यार सस्ता कैमरा लेके सच्ची में। सो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि बारिश चालू होने वाली है। पीछे आपको दिख रहा है कि नहीं मालूम नहीं, ये साइड में बादल छा गए, घने बादल। तो हम लोग ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे शेड है और वहाँ पे जाके हम लोग फोटो या जो भी प्रैक्टिस करनी है हम लोग करेंगे। सो लेट्स गो। ये बंद है यार क्या सच्ची में। सो लेट्स गो। ओके, तो हम लोग बारिश थे इसके लिए वो जो ब्रिज दिख रहा है उसके नीचे रुके थे, और अभी रिटर्न जाते वक्त एक अच्छा सा सीन हमें दिख रहा है, तो उसका मैं आपको टाइम लैप्स दिखाऊंगा इन 3, 2, 1। हम लोग एक परफेक्ट लोकेशन पे आ चुके हैं। परफेक्ट यानी कि देखो चारों और ग्रीनरी और ऊपर स्काई एकदम ब्लू है, क्लियर नहीं है लेकिन मस्त है एकदम। एंड ही इज ट्राइंग सम फोटोग्राफी स्टफ।
हेलो कंटिन्यू और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ऐसे ही देख रहा हूँ। अभी आपको एक बात बोलता हूँ मैं ब्लॉगिंग के बारे में, जो ब्लॉगर्स है या जो बहुत छोटे ब्लॉगर्स मेरे जैसे जो है, तो उनके लिए या बाकी हर किसी के लिए ये बात बोलता हूँ कि ब्लॉगिंग करना अकेले से इज़ नॉट अ जोक, क्योंकि लोग उनका जोक बनाते हैं सीरियसली। क्योंकि अगर मैं भी कई मार्केट प्लेस पे या क्राउडेड प्लेस पे कैमरा लेके चलता रहूँ तो लोग ऐसे देखते यार ये क्या कर रहा है क्या नहीं। मुझे पता है कि उन पर ध्यान नहीं देना है हमें, बट स्टिल जब तक आप 10 12 15 वीडियो बना नहीं लेते हो तब तक ऐसा ही होगा। तो मैं भी बहुत इसमें से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ा बाहर निकला भी हूँ मैं, और प्रैक्टिस करते करते एक दिन बड़े ब्लॉगर बन जाएंगे। आई डू एग्री। लोग मार्केट में ना मतलब ऐसे देखते हैं ना यार, मतलब जैसे किसी ने कैमरा खोल दिया ना बस ऐसा देखेंगे, पूरा ऐसा टाप टाप के देखेंगे। हाँ। ऐसा नहीं कि भाई तुम तुम्हारा काम करते रहो, हम लोग को हमारा काम करने तो ऐसा नहीं है। वो थोड़ा वियर्ड लगता है लेकिन हर कोई जो ब्लॉगर है या हर कोई जो मार्केट प्लेस में आके, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टर भी रहेगा, तभी भी उसको कुछ दिन पहले थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, उसके बाद ही वो प्रोफेशनल बनता है। ये मेरा मानना है, इसका मानना है। आई डू एग्री। तो यही है, इसमें थोड़ा स्ट्रगल करना बनता ही है। और इसके लिए मैं व्लॉग्स डेली नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि एक तो घर में ही हूँ, फिलहाल में तो लॉकडाउन है सबको मालूम है, तो घर में ही हूँ, घर में क्या व्लॉग बनाऊँ। वही अकबर आप रोज़ देखते रहो तो मज़ा नहीं आएगा आपको भी मुझे भी। कुछ नया रहता है, जैसे आज ये मिला तो इसके साथ मैं ब्लॉग बनाने निकला बाहर, तो एक मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है, हमारा कोलैब भी हो जाता है या जो भी है मिलना हो जाता है। बस इसी के लिए मैं आज बाहर आया बहुत दिन के बाद, और बस इतना ही बोलना था। तो अभी यहाँ पे पीछे लोकेशन देखो, फ्लो में कुछ भी निकल जाता है, तो पीछे लोकेशन इज़ वेरी गुड और यहाँ पे फोटो भी एकदम मस्त आएंगे। वीडियो भी हम लोग एक प्रैक्टिस सिनेमैटिक वीडियो ट्राई कर रहे हैं, जो अपलोड होगा या नहीं वो नहीं मालूम अभी तक, अगर हुआ तो हुआ नहीं तो नहीं हुआ। बट हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है लेकिन अभी लोग आने चालू हो चुके हैं क्योंकि शाम का टाइम है तो लोग वॉक के लिए निकलते हैं, और हम लोग अभी घर पे जाएंगे। ओके, सो हमारा मिलना, फोटोग्राफी, उसके बाद वीडियोग्राफी इज़ एवरीथिंग डन। और अभी हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे जो आपको जल्दी मालूम पड़ सकता है अगर घर वालों से परमिशन मिली तो। यस yes. तो उसके बाद ही देखेंगे, कंटेंट बनाएंगे साथ में मिलके, और जरूर जरूर को भी सपोर्ट करो, मुझे भी सपोर्ट करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। लाइट इसमें होता है तो समझ जाओ। और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट ब्लॉग्स। Yeah. So as always, be positive and keep going. Stay safe and take care. Yeah. This is the main in this corona. Bye. 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 Bye.